मोदी कैबिनेट के विस्तार के दौरान कई मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली तो कई की कैबिनेट से छुट्टी हो गई। जिन नेताओं की छुट्टी हुई है उन्हें संगठन में पद दिए जाने की बात चल रही है। इसके अलावा पार्टी में सबसे ताकतवर माने जाने वाले संसदीय बोर्ड में भी 5 पद खाली हैं। इन पदों पर किन नेताओं का चयन होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। माना जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले दिनों में संगठन और संसदीय बोर्ड में खाली पदों पर नियुक्तियां करेंगे। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। संसदीय बोर्ड में जो 5 पद खाली हुए हैं उनमें से 3 पद अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार के निधन से हुए हैं, जबकि 1 पद एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाने और एक और अन्य पद थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने से खाली हुआ है। जिन कैबिनेट मंत्रियों की विदाई हुई है उनमें प्रकाश जावड़ेकर, सदानंद गौड़ा, हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और रमेश पोखरियाल का नाम शामिल है। इनमें से रविशंकर प्रसाद नितिन गडकरी के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और तमाम अहम मुद्दों पर पार्टी का पक्ष भी मीडिया के सामने रखते आ रहे हैं, जबकि हर्षवर्धन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और दिल्ली में ही राजनीति करते आए हैं। ऐसे में उन्हें दिल्ली और आसपास के राज्यों में संगठन का काम पार्टी दे सकती है, जबकि प्रकाश जावड़ेकर पार्टी प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुके हैं और रमेश पोखरियाल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। 2022 का साल चुनावी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि इसमें 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 5 राज्यों में तो 7 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव हैं और इन राज्यों में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला उत्तर प्रदेश भी है। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जम्मू और कश्मीर में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने के आसार हैं। चुनावी राजनीति में साल 2022 की अहमियत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने संगठन और संसदीय बोर्ड में ऐसे नेताओं की बड़ी जिम्मेदारियां देगी जो उसे बेहतर चुनावी नतीजे दे सकते हैं।